आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने नए इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नया इंस्टाग्राम आईडी हम कैसे बना सकते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट को हम प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस लाइव प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने इंस्टाग्राम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे इस ऐप में शो होने लगता है। अब गाइस देखिए, अगर हमने पहली बार इंस्टाग्राम ऐप को डाउनलोड किया होगा तो कुछ इस तरह का हमें पेज देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी पहले से ही इंस्टाग्राम की आईडी है तो आप यहाँ पर अपने यूजर नेम, ईमेल या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करके आप डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम अपने इंस्टाग्राम के नए अकाउंट को बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे की साइड लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इस ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है व्हाट्स योर मोबाइल नंबर। तो अब यहाँ पर जो भी हमारा मोबाइल नंबर है, जिस भी मोबाइल नंबर से हम अपने नए इंस्टाग्राम अकाउंट को बनाना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर को हमें इस जगह पर एंटर कर देना है। और मोबाइल नंबर पर हमें व्हाट्सअप के थ्रू या फिर SMS के थ्रू हमें कोड मिल जाएगा, OTP मिल जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर को हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, देन हमें यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लोड लेगा। अभी यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो OTP को हमें यहाँ पर इस जगह पर फिल कर देना है। OTP को गाइज यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब जो भी हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के नए पासवर्ड को क्रिएट करना चाहते हैं, उस नए पासवर्ड को हमें एंटर कर देना है। हमारा पासवर्ड मिनिमम 6 लेटर्स का होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी होना चाहिए। पासवर्ड को फिलअप कर देने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पर ये कह रहा है सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने लॉगिन की इन्फॉर्मेशन मतलब पासवर्ड को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको नोट नाउ कर देता हूँ। अब जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ को मैंने सेट कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हमारा फुल नाम क्या है, हमें अपने फुल नेम को एंटर कर देना है। यहाँ पर मैंने अपने फुल नेम को एंटर कर दिया है। देन हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर ये कह रहा है क्रिएट अ यूजर नेम। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम हमारा यहाँ पर आता है, हमें अपने इंस्टाग्राम के यूजर नेम को हमें सेट कर देना है। तो जो भी हम यहाँ पर यूजर नेम बनाना चाहते हैं, उस यूजर नेम को हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं बनाना चाहता हूँ क्रेजी नोमान, तो मैं इस तरीके से क्रेजी नोमान इस तरीके से लिखकर मैं फिलअप कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्रेजी नोमान नाम से ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किसी और ने ये नाम रजिस्टर कर रखा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर नीचे की साइड बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पर इनमें से किसी एक नाम को बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ crazy_nomaan। आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी नाम अवेलेबल होता है, इस तरीके से हमें ग्रीन कलर का टिक देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें यूजर नेम बनाने के बाद सबमिट कर देना है। इंस्टाग्राम की सारी टर्म एंड कंडीशन को हमें एग्री कर देना होगा। अब हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर ही कह रहा है ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर। तो आप जो भी पिक्चर लगाना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते, बाद में करना चाहते हैं, तो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर हम अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर आ चुके हैं। एडिट प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, एडिट प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर मैं प्रोफाइल पिक्चर लगा लेता हूँ। इस तरीके से मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ये लग चुकी है। तो अब हम बैक आ जाते हैं। आप देख सकते हो हमारी प्रोफाइल पिक्चर सक्सेसफुली यहाँ पर शो होने लगी है। अब यहाँ पर एडिट प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। बायो अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बायो ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बायो आप लिख सकते हैं 150 कैरेक्टर्स का। बायो को मैं बाद में लिख लूंगा, यहाँ पर जेंडर में कर लेता हूँ मेल। उसके बाद हमें इस तरीके से टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और नीचे की साइड लिखा हुआ है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। हमारा ये जो प्रोफाइल है ये अभी पर्सनल अकाउंट है, मुझे इस पे वीडियोस वगैरह भी अपलोड करनी है, तो इसको मैं प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू हमें यहाँ पर इस तरीके से कर देना है। और यहाँ पर आपकी क्या कैटेगरी है, किस कैटेगरी से रिलेटेड आप वीडियोज अपलोड करना चाहते हैं या कंटेंट अपलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ चलिए वीडियो क्रिएटर। तो मैं यहाँ पर वीडियो क्रिएटर इस तरीके से कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो हमारी कैटेगरी है वो हमारी प्रोफाइल पर शो होनी चाहिए या फिर नहीं, तो हाँ होनी चाहिए। मैं इसको ऑन कर देता हूं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऑफ कर सकते हो। देन हमें डन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और 30 सेकंड तक का यहाँ पर टाइम लग सकता है, तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। हमारी जो आईडी है वो यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो रही है। अब दो ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, आर यू अ क्रिएटर, अगर हम क्रिएटर हैं, अगर हम क्रिएट वीडियोस करना चाहते हैं तो हम क्रिएटर कर लेंगे, नहीं तो अगर किसी बिजनेस रिलेटेड से ये इंस्टाग्राम अकाउंट हमने ओपन कराया प्रमोशन वगैरह के लिए, तो हम बिजनेस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं एज अ क्रिएटर
क्रिएटर इंस्टाग्राम में मैंने ये अकाउंट बनाया, तो क्रिएटर पर क्लिक करके हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और बस यहाँ पर ओके कर देना है। और यहाँ पर जो हमारा प्रोफाइल है वो सेटअप हो चुका है, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है 0 of 6 कंप्लीट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। कंप्लीट योर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर बायो सेट करते ही हमारा पहला स्टेप डन हो जाएगा। तो अब जो हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है वो बिल्कुल तैयार है। अब इस पे कोई भी कंटेंट हम अपलोड कर सकते हैं। हमने कितना पोस्ट कर दिया है, हमारे कितने फॉलोवर्स हैं या फिर हम कितने लोगों को फॉलो करते हैं, सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप अपने नए इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।